जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से एक बार पुनः आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं, आप सभी लोगों की कुछ जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने कुछ अनुभवों को आपके साथ शेयर करने के लिए। आज का जो मेरा विषय है, जिसके ऊपर मैं आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, जिसे आप में से हर एक कोई जानना चाहता है। वो विषय है हमारे छुपे हुए शत्रु कौन है। पता ही नहीं होता कौन हमारे से छुपकर शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, किसके शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण हमको नुकसान पहुंच रहा है, कौन हमारा बुरा चाहता है। हर एक कोई अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को शक की निगाहों से देखता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कहीं ये तो मेरा शत्रु नहीं है, कहीं ये तो कोई मेरा बुरा नहीं कर रहा। इस कारण की वजह से आज हमारे समाज में, रिश्तेदारों के बीच में, भाई बहनों के बीच में दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो हमारे दोस्त हैं वो भी हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि पता नहीं ये इसकी वजह से तो मुझे नुकसान नहीं हो रहा। तो इस विषय पर आप सभी लोगों को बताने के उद्देश्य से आज मैं आप सभी के समक्ष इस रोचक जानकारी को, इस ज्ञानवर्धक जानकारी को, जिसके आधार पर आप अपनी जन्म कुंडली स्वयं देखकर जान सकते हैं कि आपके शत्रु कौन हैं। तो कैसे पता करेंगे आप अपने शत्रुओं का, मैं चर्चा करना चाहूंगा तुला लग्न वाले व्यक्तियों के बारे में, कि आपको कैसे पता लगेगा कि तुला लग्न वाले व्यक्तियों का शत्रु कौन है। तो तुला लग्न वाले व्यक्ति कैसे पता लगाएं कि उनके कौन कौन व्यक्ति शत्रु हैं। जन्म कुंडली के आधार पर बहुत आसानी से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति आपका मित्र है या कौन व्यक्ति आपका शत्रु है। तो हम अपनी जन्म कुंडली के इस छुपे हुए राज को कैसे उजागर करें और उन शत्रुओं से, उन छुपे हुए दुश्मनों से जो अपनी शत्रुता का भाव हम पर प्रकट करें या ना प्रकट करें, मगर वो सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान चाहते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर आदमी को अपने शत्रुओं से सदैव सतर्क रहना चाहिए। हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने अनवरत तपस्या के बल पर, अनवरत साधना के बल पर हमारी लिए अपनी रिसर्च के माध्यम से कुछ सूत्र बनाए। उन सूत्रों को उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में संग्रहित करवाया। उन सूत्रों के आधार पर आज मैं उन सब व्यातों का आपसे वर्णन करने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चल सके कि आपका कौन व्यक्ति दुश्मन है, जो मित्रता का लबादा ओढ़कर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपका सर्वनाश चाहता है, आपका दुश्मन है। ऐसे व्यक्तियों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जिन व्यक्तियों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बेल का आइकन दबाने से आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है। और अभी हाल में ही मेरे बड़े पुत्र स्वामी राजऋषि ने आप सभी लोगों के लिए आज का राशिफल YouTube पर देना शुरू किया है।
स्वामी राजऋषि आप सभी के लिए मित्र पति हर राशि वाले व्यक्ति के लिए राशिफल लेकर यूट्यूब पर उपस्थित होते हैं और साथ ही उनका प्रयास रहता है आपको कोई ना कोई ऐसा अचूक टोटका नित्य प्रति बताएं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां नित्य प्रति आगे चढ़ते जाएं। इसके साथ ही एक गंभीर बात मैं आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग जब YouTube पर हमें कमेंट्स करते हैं तो लोग हमसे यह जानना चाहते हैं कि आप हमें एक भी व्यक्ति बताइए जिससे आपके द्वारा किए गए उपाय से फायदा हुआ है। मैं उन सभी ज्ञानी महापुरुषों को कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों, मुझे इस YouTube चैनल पर आने वाली 8 फरवरी को 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। मान लीजिए मेरे को 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं तो मैंने कुछ तो कार्य किया होगा खाली YouTube पर, जिसमें हमारे 3000 से अधिक वीडियोस पहले ही शामिल हैं और इसी की वजह से आप हमारी इन वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। आप एक आदमी की बात करते हैं, मैं 133 देशों में काम कर रहा हूं, पता नहीं कितना समय गुजर गया, अब तो मैं खुद भी संख्या भूल गया हूं। कितने लंबे अनुभवों से मेरी यह यात्रा आप लोगों के आसपास से गुजर रही है। मुझे तो आप यह बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो मेरा इस YouTube चैनल को देख रहे हैं और उन्होंने मुझसे पर्सनली मिलकर या ईमेल के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली दिखाकर या अपनी परेशानियां और अपने चेहरे को दिखाकर प्रश्न कुंडली के माध्यम से मुझसे उपाय प्राप्त किए हैं और उन उपायों का पालन किया है और उनको फायदा नहीं हुआ है, तो वो सभी लोग मुझे बिना किसी झिझक के YouTube पर कमेंट्स करें। मगर उन झूठे मक्कार और धोखेबाज लोग जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, जिन्होंने कभी मुझे अपनी जन्म कुंडली नहीं दिखाई है, कभी मुझे ईमेल नहीं किया है, कभी मुझे वीडियो कॉल नहीं किया है, कृपया वो अनर्गल कमेंट्स देने से बचें। कहीं ऐसा ना हो गुरु का क्रोध आपके समस्त ऐश्वर्यों का सर्वनाश कर दे, आप मेरे क्रोध के पात्र ना बने। क्योंकि गुरु को जब क्रोध आता है तो देव गुरु बृहस्पति आपके समस्त ऐश्वर्य को, धन संपत्ति और सुख सुविधाओं को छीन लेते हैं। तो किसी व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त किए आप अनर्गल बातें ना करें, वही आप सभी लोगों के हित में है। और आज मैं इस YouTube पर आप सभी लोगों को चैलेंज करता हूं, जिसे कि प्रूव किया जा सकता है कि मैं लेता हूं गारंटी उन सभी बच्चों के लिए जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, जो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाते, उन सभी बच्चों के मां बाप आप में से कुछ लोग भी होंगे, उन सभी लोगों को चैलेंज करता हूं आप ऐसे अपने निकम्मे और नाकारा बच्चों के साथ मुझसे संपर्क करें। मैं गारंटी से उन सभी बच्चों का मन पढ़ने की तरफ मोड़ दूंगा और हर साल उनके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आया करेंगे। और यह बात प्रूव भी की जा सकती है पिछले साल के रिजल्ट का अगले साल के आने वाले एनुअल रिजल्ट से कंपैरिजन करके। तो मैं आप सभी लोगों को चैलेंज करता हूं, आप मेरी प्रतिभा को, चाहे आप स्कूल के प्रिंसिपल हो चाहे किसी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हो, क्योंकि मेरे पास पढ़ाई के सिलसिले में जो आने वाले जो लोग हैं वो पहली दूसरी क्लास के बच्चों से लेकर MBBS, MD और सुपर स्पेशलिटी की तैयारी करने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, IAS की तैयारी करने वाले, PCS की तैयारी करने वाले और यहां तक कि जज के एग्जाम की तैयारी करने वाले व्यक्ति भी हैं, जो मेरे पास अपनी पढ़ाई लिखाई के संबंध में, अपनी कंसंट्रेशन के संबंध में, अपने एग्जाम में अच्छे रिजल्ट ना आने के संबंध में मुझसे मिलते हैं। तो यह मेरा आप सभी लोगों के लिए ओपन चैलेंज है। अगर
मैं आपके या आपके अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार के किसी भी बच्चे को अच्छे नंबर हर साल ना दिला पाया, तो मैं आपके समस्त पैसे जो आपने मुझे अंगूठियां बनवाने के लिए दिए होंगे या लॉकेट बनवाने के लिए दिए होंगे या उसके माध्यम से मैंने आपके बच्चे का उपाय किया होगा, तो वो समस्त पैसे मैं आपको वापस कर दूंगा। यह मेरा आप सभी से वायदा है। आप चाहेंगे तो यह वायदा मैं आपको लिखित रूप में भी दे सकता हूं, मगर पैसे वापस लेने के लिए आपको पिछले साल का रिजल्ट और अगले साल के रिजल्ट की इंप्रूवमेंट चेक करनी होगी और मुझे भी चेक करानी होगी कि आपके बच्चे के पिछले साल से इस साल कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। बच्चे आपके हैं, बिगाड़े आपने और आपके संस्कारों ने हैं, बिगाड़े हमारे टीवी चैनल पर चलने वाले सीरियलों ने हैं, बिगाड़े उनके यार दोस्तों ने हैं, मगर ठीक करने की गारंटी मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आप सभी लोगों की समझ स्वयं लेता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए स्क्रीन पर जो नीचे नंबर आ रहे हैं आप उन नंबरों पर हमारे साथ वीडियो कॉल का टाइम बुक करिए। उस टाइम के दौरान आपका बच्चा आपके साथ होना चाहिए, जिस बच्चे के भी बारे में, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो, हमारे साथ टाइम फिक्स करिए और उस टाइम के दौरान हम उस बच्चे को देखेंगे, उसकी जन्म कुंडली को देखेंगे और आपको जो उपाय बताएंगे आप उस उपाय को फॉलो करिए। उस दिन के बाद से आपके बच्चे की गारंटी हमारी है कि देखते हैं, हम भी तो देखें कैसे उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, कैसे वो हर साल दर साल अच्छे नंबर नहीं लाता। तो ये हमारा आप सभी लोगों के लिए ओपन चैलेंज है, इंडिया ही नहीं 133 देशों के लोगों के लिए ओपन चैलेंज है कि कोई भी आए, हमारे दरवाजे उस सबके लिए सदैव खुले हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे तुला लगन वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो सबसे ज्यादा शत्रुता पूर्व भाव है वो मीन लगन वाले व्यक्तियों के साथ रहता है। तो मीन लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं वहां पर 12 नंबर लिखा होगा तुला लगन की कुंडली में, 12 नंबर वाले जो खाना बना हुआ है जिसमें 12 नंबर लिखा हुआ उसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं और साथ में जो बृहस्पति जो है जो मीन लगन का मालिक है वो जिन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है वो ग्रह भी उस व्यक्ति के लिए दुश्मनी का भाव रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से विशेष सावधान रहने की जरूरत है तुला लगन वाले व्यक्तियों को। और ऐसे जो मीन लगन वाले व्यक्तियों की पहचान है वो वहमी स्वभाव के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 वो पानी बहुत व्यर्थ करते हैं, पानी की वेस्ट करने वाले होते हैं, साफ सफाई बहुत पसंद करते हैं और बहुत वहमी स्वभाव के होते हैं। तो इस प्रकार से उनकी स्वभाव की, अपने शक्तियों के स्वभाव की आप पहचान कर सकते हैं। और जो व्यक्ति विभिन्न लग्नों के बारे में, विभिन्न राशियों के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो वो हमारे आने वाले वीडियोस को देखें। हम विभिन्न लग्नों के विभिन्न व्यक्तियों के बारे में आपको विस्तार से एक एक लग्न के और एक एक राशि के व्यक्ति के बारे में आगे आपसे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम आपसे यह भी बहुत आवश्यक रूप से कहना चाहेंगे कि हम आपसे जो बहुत छोटी सी फीस लेते हैं वह फीस हमारे द्वारा जो भी आपसे बातचीत करने के लिए फीस ली जाती है उस फीस में से हम निश्चित रूप से अगले दिन आपके लिए पूजा करते हैं। और सिर्फ अगले ही दिन नहीं, यहां स्वयं भगवान शनिदेव साक्षी हैं, हमारे साथ विराजमान हैं, उसके लिए हम आपके साथ मरते दम तक उसी एक बार की दी हुई फीस के लिए हम आपको नित्य प्रति आपके लिए पूजा करेंगे। जब तक हमारी जीवन में, हमारे शरीर में श्वास रहेगी हम आपके लिए नित्य प्रति पूजा करते रहेंगे, ऐसा हम आपके साथ वचनबद्ध हैं। जबकि आपने इस बात के लिए चाहे हमें पैसे ना दिए हों, क्योंकि उसके बावजूद भी हम आपको वचन देते हैं इनमें से कोई भी पैसा हम अपने लिए, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह पैसा इस शनि मंदिर की व्यवस्था चलाने के काम, इसके द्वारा चलाए जा रहे गरीब लड़कियों के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की व्यवस्था चलाने के लिए और उन लड़कियों को स्कॉलरशिप देने के कार्य में, यज्ञ हवन पूजन प्रसाद वितरण के कार्य में, यज्ञ और महायज्ञों को आयोजित करने के कार्य में खर्च किया जाता है। इस पैसे को पर्सनल रूप से मैं, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति, मेरी संतान कतई इस्तेमाल नहीं करती है। आज
इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप में से कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से, किसी भी परेशानी से, चाहे वह बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे प्यार मोहब्बत से संबंधित कोई परेशानी हो, शादी होने ना होने से संबंधित कोई परेशानी हो, काम की परेशानी हो, अपना मकान नहीं है, बॉस से नहीं पटती है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, धन की कमी बनी हुई है, नौकर परेशान करते हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बीमारियां परेशान कर रही हैं, इस तरह की कोई भी समस्या हो, या अपना मकान, स्वयं का मकान नहीं है, अपनी स्वयं की कार नहीं है, तो इन सभी परेशानियों के लिए आप एक बार नीचे आ रहे स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके हमसे टाइम रखें, हम निश्चित रूप से आपकी मदद करने में समर्थ हैं। जय शनिदेव। क्या आप नौकरी ना मिल पाने के कारण परेशान हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा? क्या आपका बॉस आपको हर समय धमकियां देता रहता है? क्या आपके ऑफिस कॉलीग बॉस के साथ मिलकर हर समय आपको नीचा दिखाते रहते हैं? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Thank you.